अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 16वां चैप्टर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारी तारीख। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता है, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। दमक मतलब चमक, लाले मतलब एक किस्म का फूल। इस नज़्म में शायर फरमाते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले घर घर में बग़ैर किसी तासुब के दिवाली की त्यौहार पर दिए जलते थे। सब लोग मिलजुल कर ईद, दिवाली और होली जैसे खुशी के त्यौहार धूमधाम से मनाते थे और हर त्यौहार सबके लिए खुशियां लेकर आते थे। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, इसको क्या नाम दे सोची हुई तोहमत के सिवा। अपने हर प्यार को नफरत में बदलना चाहा, क्या पुकारें इससे चालाक सियासत के सिवा। तोहमत मतलब इल्ज़ाम। इस नज़्म में शायर इस बंद में शायर फरमाते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने मुल्क में चालाक सियासत के सबब लोगों के दिलों से प्यार मोहब्बत का जज्बा निकाल कर इन्हें एक दूसरे से नफरत और अदावत करना सिखाया। उन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी बनाई। ए वतन, हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिल जोई व दिलदारी की, तेरी तारीख मोहब्बत की वफा की तारीख, तेरी तारीख अख़वत की रवादारी की। मतलब दिल जोई मतलब तसल्ली, दिलदारी मतलब दिल रखना, अख़वत मतलब भाईचारा, रवादारी मतलब दिल रखना। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि मैं अपने मुल्क की तारीख को दोबारा तहरीर करना चाहता हूँ और कहता है कि मुल्क की असल तारीख मोहब्बत अख़वत और रवादारी वफा है और हम इस तारीख को फिर दोहराएंगे। तेरी तारीख है कुरान का, गीता का वरक, आशी अमन अहिंसा के उसूलों का सबक। दोहर से अपना मुकाबिल कोई अब तक न उठा, कोई गौतम कोई चिश्ती कोई नानक न उठा। इस बंद में मतलब आशी मतलब दोस्ती, अमन मतलब अमन, अहिंसा मतलब अदम व तशद्दुद जुल्म व ज़्यादती करना। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि हमारी तारीख मुश्तरका तहजीब पर मबनी थी, जिसका हिस्सा कुरान करीम पढ़ने वाले भी थे और गीता पढ़ने वाले भी। यानी ये हिंदू मुसलमानों की मुश्तरका तहजीब व तारीख थी जो अमन व आशी व अहिंसा का सबक देती है। बकौल शायर, दुनिया में हमारे मुकाबिल में कोई दूसरा गौतम चिश्ती या नानक जैसा पैदा नहीं हुआ। आज आज़ाद है हम जहन हमारा आज़ाद, तंग जज्बात के गेरों से निकल आए हैं, जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे इन तासुब के अंधेरों से निकल आए हैं। फिरंगी मतलब अंग्रेज़ गोरा, तासुब मतलब तंग नजरी, बेजमात व या मुखालिफत। इस बंद में शायर कहता है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद लोग आज़ाद है, इनके जहन आज़ाद है और वो अंग्रेज़ों की सियासत के फैलाए हुए तासुब और नफ़रत के अंधेरों से निकल आए हैं। एक है अपना वतन, एक ज़मीन, एक हम, एक है फिक्र व अमल, एक यकीन, एक है हम। कौन कहता है कि हम एक नहीं, एक है हम।
اس بد میں شاعر اس آخری بد میں شاعر وطن کے لوگوں کے اتحاد کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کے فکر و عمل اور ان کی یقین سانجے ہیں، ان کی زمین ایک ہے اور ان کا وطن بھی ایک ہے، اس لیے کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم ایک ہیں اور متحد ہیں۔